सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी। तना श्री महला पहला, घर दूजा अष्टपदिया, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। गुर सागर रतनी भरपूरे, अमृत संत चुगे नहीं दूरे। हर रस चोग चुगे प्रभ पावे, सरबर में हंस प्राण पत पावे। गुर सागर रतनी भरपूरे, अमृत संत चुगे नहीं दूरे। हर रस चोग चुगे प्रभ पावे, सरबर में हंस प्राण पत पावे। क्या बग बपुड़ा छपड़ी नाए, कीचड़ डूबे मैल ना जाए। रहाओ रख रख चरण तरे विचारी, दुविधा छोड़ पे निरंकारी। मुक्त पदार्थ हर रस चाखे, आवन जान रहे गुर राखे। सरवर हंसा छोड़ ना जाए, प्रेम भगत कर सहज समाए। सरवर में हंस हंस में सागर, अकथ कथा गुर बचनी आदर। सुन मंडल इक जोगी बैसे, नार ना पुरख कहयो को कैसे। त्रिभुवन ज्योत रहे लिवलाई, सुर नर नाथ सच्चे सरनाई। अनंद मूल अनाथ अधारी, गुरमुख भगत सहज बिचारी। भगत वशल पै कट नहारे, होमे मार मिले पगतारे। अनेक जतन कर काल संताए, मरण लिखाए मंडल में आए। जन्म पदार्थ दुविधा खोवे, आप ना चीनस परम परम रोवे। कहते हो पढ़ते हो सुनते हो एक, धीरज धर्म धरनी धर टेक। जत सत संजम हृदय समाए, चौथे पद को जे मन पति आए। साचे निर्मल मैल ना लागे, गुर के शब्द परम पौ भागे। सूरत मूरत आद अनूप, नानक जांचे साच स्वरूप। साचे निर्मल मैल ना लागे, गुर के शब्द परम पौ भागे। सूरत मूरत आद अनूप, नानक जांचे साच स्वरूप। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। तना श्री महला पहला, घर दूजा अष्टपदियां,
एक ओंकार सतगुर प्रसाद। गुरु मानो एक समुंदर है जो प्रभु दी सिफ सलाह दे रतना नाल नक्का नक भरिया होया है। गुरमुख सिख उस सागर विचों आत्मिक जीवन देन वाली खुराक प्राप्त करते हैं। जिमें हंस मोती चुगते हैं ते गुरु तो दूर नहीं रहते। प्रभु की मेहर अनुसार संत हंस हर नाम रस की चोग चुगते हैं। गुरसिख हंस गुरु सरोवर विच टिकिया रहिंदा है ते जिंद दे मालक प्रभु नू लभ लैंदा है। विचारा बगला छपड़ी विच कादे लई नहाउंदा है, कुछ नहीं खटदा सगों छपड़ी विच नहा के चिक्कड़ विच डुब जांदा है। उसदी यह मैल दूर नहीं हुंदी। जेड़ा मनुख गुरु समुंदर नू छड़ के देवी देवते आदि होर दे आसरे भालदा है, वह मानो छपड़ी विच ही नहा रहा है। उत्तों ओह होर माया मोह दी मैल से हेड़ लैंदा है। रहाओ गुरसिख बड़ा सुचेत होके पूरी विचार नाल जीवन संसार विच पैर धरदा है। परमात्मा तो बिना किसी होर आसरे की भाल छड़ के परमात्मा दे ही बन जाता है। परमात्मा दे नाम दा रस चाके गुरसिख ओह पदार्थ हासिल कर लैंदा है जो माया दे मोह तो खलासी दिवाउंदा है। जिस दी गुरु ने सहायता कर दिती उसदे जन्म मरण दे गेड़ मुक गए। जिमें हंस मान सरोवर नूं छड़ के नहीं जांदा, तिवें जिहड़ा सिख गुरु दा दर छड़ के नहीं जांदा, वह प्रेम भगती दी बरकत नाल अडोल आत्मिक अवस्था विच लीन हो जांदा है। जिहड़ा गुरसिख हंस सरोवर विच टिकदा है उसदे अंदर गुरु सरोवर अपना आप प्रगट करदा है, उस सिख दे अंदर गुरु वस पैंदा है। यह कथा कथ है, भाव इस आत्मिक अवस्था का बयान नहीं किया जा सकता। सिर्फ यह कह सकते हाँ कि गुरु के चरणों उत्ते तुर के ओह लोक परलोक विच आदर पाउंदा है। जेड़ा कोई बिरला प्रभु चरणों विच जुड़िया बंदा अफुर अवस्था विच टिकदा है, उसके अंदर इस्त्री मर्द वाली तमीज नहीं रहिंदी, भाव उसके अंदर काम चेष्टा जोर नहीं पाउंदी। दसो कोई यह संकल्प भी किवें कर सकता है, क्योंकि वह तां सदा उस परमात्मा विच सुरत जोड़ी रखता है जिसकी जो तिना भवनों विच व्यापक है ते देवते मनुख नाथ आदिक सब जिस सदा थिर दी शरण लई रखते हैं। गुरमुख हंस गुरु सागर विच टिके उस प्राणपत प्रभु नूं मिलता है जो आत्मिक आनंद का सोमा है, जो न्यासरिया का आसरा है। गुरमुख उसकी भगती की राही अते उसके गुणा का विचार की राही अडोल आत्मिक अवस्था विच टिके रहते हैं। वह प्रभु अपने सेवकों की भगती नाल प्रेम करता है, उन्हां दे सारे डर दूर करन दे समर्थ है। गुरमुख होमे मार के अते साध संगत विच टिके उस आनंद मूल प्रभु के चरणों विच जुड़ते हैं। जिहड़ा मनुख बेचारे बगले वांग होमे की छपड़ी विच ही नहाउंदा रहिंदा है ते अपने आत्मिक जीवन नूं नहीं पछाणदा, वह होमे विच भटक भटक के दुखी हुंदा है। परमात्मा तो बिना किसी होर आसरे की भाल करके सहेड़ी हुई आत्मिक मौत उसनूं सदा दुखी करती है। वह पिछले किते कर्मां अनुसार धुरों आत्मिक मौत का लेख ही अपने मत्थे उत्ते लिखा के इस जगत विच आया ते इत्थों भी आत्मिक मौत ही विहाजदा रहा। पर जेड़ा मनुख एक परमात्मा की सिफ सलाह ही नित उचारदा है, पढ़ता है अते सुनदा है ते धरती दे आसरे प्रभु की टेक फड़दा है, वह गंभीर सुभाव ग्रहण करता है। वह मनुखा जीवन दे फर्ज नूं पछाणदा है। जो मनुख गुरु दी शरण विच रह के अपने मन नूं उस आत्मिक अवस्था विच गिझा लए जिथे माया दे तिन्ने ही गुण जोर नहीं पा सकदे, तां सुत्ते ही जत सत ते संजम उसदे हिरदे विच लीन रहिंदे हन। सदा थिर प्रभु विच टिके पवित्र होए मनुख दे मन नूं विकारां दी मैल नहीं चंबड़दी। गुरु दे शब्द की बरकत नाल उसकी भटकना दूर हो जाती है, उसका दुनिया वाला डर सहम मुक जाता है।
ਨਾਨਕ ਵੀ ਉਸ ਸਦਾ ਥਿਰ ਹਸਤੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਸੂਰਤ ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਵਜੂਦ ਆਦ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।